लिटिल तिब्बत और मिनी तिब्बत, न्यू अरुणा नगर या तो मजनू का टीला, कैसे भी बोल लो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला, है जी। बट क्या है ना, ज्यादातर लोग इसको मजनू का टीला के नाम से ही जानते हैं जी। बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी उड़ा लो, कुछ भी बोल लो। ओके चलिए कहानी में थोड़ा पीछे, एक्चुअली काफी पीछे चलते हैं और जानते हैं इसका नामकरण मजनू का टीला आखिर कैसे पड़ा। बहुत बहुत सालों पहले एक प्रेमी ईरान से दिल्ली आया और जो कि कैलाश खेर का सैया, हाँ वही कैलाश खेर का बहुत बड़ा फैन था। क्यों? क्योंकि वो भी सूफी गाता था और बेसिकली वो अपने प्यार के लिए गाता था और रंग दे बसंती, वंदे मातरम, ज्यादा ना सोचे। लोग उसको प्यार से मजनू, ओ मजनू करके बुलाते थे और कहा जाता था वो यहीं कहीं एक टीले में रहता था। बस इसी तरह इस जगह का नाम मजनू का टीला पड़ गया। ऑलमोस्ट सच तो ये है कि ये एक टिबेटन रिफ्यूजी कॉलोनी है जहां काफी टिबेटन फैमिलीज रहती हैं एंड यहां एक से बढ़कर एक खाने का जुगाड़ मिल जाएगा। मतलब यहां का खाना आपने शायद ही कहीं खाया होगा, और अगर आप यहां आके शॉपिंग करने से बच गए तो भाई मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मुझसे तो रहा नहीं गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाइको पाउची। खाली डेली मेट्रो और हम लोग जा रहे हैं मजनू का टीला। मजनू का टीला एक बहुत ही सही जगह है फॉर दी फूड लवर्स, इट्स अ फूड पैराडाइज। लैपिंग एक बहुत ही खतरनाक सा पदार्थ है जिसको खाते ही आपके अंदर एक अलग सा जानवर जाग जाएगा और आप जोर जोर से सबसे कहोगे और लाओ और लाओ। बहुत सही, इसका प्रिपरेशन हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है, हम घर पे ट्राई नहीं करने वाले। हमें जब भी खाने का मन होगा हम यहीं आके खाएंगे। डोलमा रेस्टोरेंट काफी फेमस है ये। थकथकाली, अच्छा और एक चामड़ा जेटा जाच्छे सेटा कोथाय रे? बुसान, ट्रेन टू बुसान। हामा कैफे, हेमा कैफे, हेमा कैफे काफ़ी पॉपुलर है, आपको लाइन लगानी पड़ती है यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर वॉर्डर करने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। गोनपो खानसान हाउस, रामेन सिक्स,
बहुत सारे पॉपुलर हर जगह, यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट सारे जगह पर खाना आपको अच्छा ही मिलेगा, बट कोई कोई जगह है जो बहुत फेमस है। तो हम लोग इस बार थोड़ा अलग ट्राई करने जा रहे हैं, आई केस कोरियन ट्राई करने जा रहे हैं। सब ने जो डिसाइड किया है उस हिसाब से ही देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या खाएं हम लोग। फिर यहाँ आओगे तो क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे वही सोचते रह जाओगे। हम जा रहे हैं बुसान, हाँ कोरियन, फाइनली हमने इसको लॉक किया है बुसान। चलो 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 इसको। देखो आपको अपना शूज उतारना है यहाँ पर। ऐसा है बैठना बैठने का। चलो भैया अभी तो बैठ गए हैं, सेटल डाउन हो गए। अभी मेरे को कोरियन का ज़्यादा आइडिया नहीं है, अब तो सेटल हो गए हैं। ये ऐसे बैठने का आइडिया किसका था? चलो एक्सपर्ट। हाँ मैं तो बस रिकॉर्ड करता हूँ। ये ऑथेंटिक खाना खाना है तो ऑथेंटिक स्टाइल में बैठना भी है। रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे सोच रहे हैं अभी, अभी पहले एंजॉय करते हैं, देखते हैं। अगर एंजॉय करते हैं तो खाना देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है सब। शाबाश शाबाश, नाइस। चलो अच्छा ऐसे पकड़ के ये उंगली में ये करते हैं। अच्छा होगा होगा, चलो लेट्स ट्राई। इतना कुछ चला लिए ये नहीं चला सकते। ओह पकड़ लिया मैंने, हाँ होगा होगा। पहले बोल रहे हैं फिनिश करना है उसके बाद ही देंगे, नहीं तो बोल रहे नहीं देंगे। नाम क्या ये रमन रमन किमची रमन, हाँ किमची रमन। तो ये वैसे मतलब ठीक है, इसका टेस्ट वैसे काफ़ी मैगी जैसा लग रहा है, एक मैगी। वेल कोरियन लवर्स, मुझे हेट मत करना या मार मत देना मुझे इस कमेंट के लिए, या तो ना ही अनसब्सक्राइब कर देना। मैंने इससे भी बढ़िया मैगी खाई है, सच बता रहा हूँ। क्या पता शायद आपका वाला रेमन मेरे वाले रेमन वर्जन से काफ़ी बढ़िया रहा हो। ये देख रहे हो आप, इसको सस्ता मत समझना, ये हम लोगों ने ऐसे ही मतलब इसमें वेस्ट कर रहे थे इसको। बाद में पता चला इसका प्राइस 700 है यहाँ पर। ये है सोजू भैया, कोरिया इतना सस्ता नहीं है, मतलब दिल्ली की कोरिया मुझे लगा कि थोड़ा सा सस्ता तो होगा बट नहीं है। एनीवेज नेक्स्ट टाइम आप लोग अभी आ रहे हो तो देख लेना ज़रूर। हाँ सोजू में ना है कोई मौजू। कहाँ पर हम लोग खाए, क्या नाम था जगह का? बुसान, हाँ बुसान सॉरी। फिर बुसान में खाने के बाद
बोबा में। क्या है ये, क्या पी रही है ये? बबल टी। बहुत अच्छा। रील्स बन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोरियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, बहुत सारे कोरियन चीज़ें मिल रही हैं, सलाड्स वगैरह यूज़ होती हैं यहाँ पर। अरे तुम लोग खाना है क्या? लैफिंग नहीं, नहीं खाना लैपिंग। मैंने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम लोगों को दोबारा लैपिंग खाना है? उन्होंने साफ मना कर दिया जी। कोई नहीं, मैंने भी छुप छुपाते हुए कैसे भी चार प्लेट सब लोगों से बचाते हुए गलियों से कैसे करके घर तक लेके आया और दबा के खा लिया। मजनू का टीला के बाद हम लोग आ गए हैं सीपी में, और आज का मेन एक्चुअली मजनू का टीला में जो हम लोगों ने कोरियन फूड ट्राई किया वही दिखाना था। और मैं हाईली रिकमेंड तो नहीं बोलूँगा, बट इट वॉज़ गुड, नाइस एक्सपीरियंस। मेरे लिए थोड़ा नया था एंड इट वॉज़ गुड। नेक्स्ट टाइम में भी हम लोग थोड़ा कुछ और ट्राई करेंगे। इस बार जो ट्राई किए थे, मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ऑथेंटिक कुछ ट्राई करेंगे। इस बार भी ऑथेंटिक रामेन तो है जो ऑथेंटिक ट्राई किया था हमने, उसके अलावा भी कुछ और भी ट्राई करेंगे मे बी अगर आए मजनू का टीला में, एंड फिर आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा था। इसका टेस्ट ओके था, नॉट वेरी गुड, नॉट बैड। तो आप आइए, ज़रूर ट्राई कीजिए अगर करना है आपको, अगर कोरियन फूड का आपको चस्का है तो ज़रूर आना, ट्राई करना यहाँ पर। एंड इस वीडियो में छोटा सा ही वीडियो था, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द कुछ और एक्सपीरियंस लेके। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। लिटिल दे और मैंने दे न्यू अरुण नगर यादव मजनू का टीला। लिटिल तिब्बत और मिनी तिब्बत, न्यू अरुण नगर या तो मजनू का टीला। कैसे भी बोलो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? इस बार के व्लॉग में मैंने ऑडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है, बनाते वक्त काफ़ी मज़ा आया था। अगर आप लोगों को भी सेम मज़ा आया है तो ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना, सो दैट हम इसी तरह के वीडियो और लाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा लगे, और ना लगे तो पत्थर मार देना जी, पर अनसब्सक्राइब मत करना। अब वीडियो में इतना दूर आ गए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना प्लीज़, एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है जी, हैं जी।